क्या होता है कंजक्टिवाइटिस, क्या क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं इसमें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस है क्या। बात करें दोस्तों कंजक्टिवाइटिस की, तो ये आपकी एक तरीके की कंजक्टिवा हमारी आँखों में जो व्हाइट पार्ट है उसको कवर करता है। अगर उसमें किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन, जिसको सूजन बोलते हैं, इटिस का मतलब होता है, आ गया है तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये आपकी किसी भी तरीके की इंजरी की वजह से भी हो सकता है, अगर चोट लगी है तो। इसके अलावा अगर किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, जो कि अभी चल रहा है, वायरल कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है। बात करें दोस्तों कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं इसमें, सिम्टम्स की मैं आपसे बात करूं तो इसमें आंखों में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी के बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है ऐसे मरीजों को, इसके साथ साथ उनको उनकी आंखों से पानी वाटरी आई है, एलर्जी है जिसकी, अगर एलर्जी की वजह से हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा खुजली भी महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ आपके सिम्टम्स, इसके अलावा ऐसे मरीजों को सनलाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ये थे कुछ सिम्टम्स दोस्तों। बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट्स पहले डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके नॉर्मल सिम्टम जो मैंने बताया अगर दिख रहा है तो इसका मतलब आपको कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। इसके ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर ये बैक्टीरियल की वजह से हुआ है तो आपके नॉर्मली एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, जैसे आई ड्रॉप्स की मैं बात करूं, सिफ्लोफ्लॉक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन चलाया जाता है, दो ड्रॉप्स सुबह शाम। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप 3 बार भी इसको कर सकते हैं। बात करें अगर बच्चों में दिक्कत है तो बच्चों में दोस्तों मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बच्चों में कभी भी प्रेडनिसोलोन वाले आई ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स की मैं बात करूं, जैसे एमोक्सिलिन 250 mg सुबह शाम आप खा सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी एलर्जी की वजह से हुआ है तो बहुत सारी एंटीहिस्टामिन दवा चलती है, जैसे लिवोसिट्रिजिन हो गया आपका, ठीक है, सिट्रिजिन हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी एंटीहिस्टामिन क्लास की दवाइयाँ चलाई जाती हैं। ऐसी और भी दोस्तों मेडिकल स्टडी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।